हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल बीके सर ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। देखिए, बिहार बीएड एडमिशन 2024 फॉर्म कौन भर सकता है, उम्र सीमा, सिलेबस, चयन प्रक्रिया, सरकारी कॉलेज कैसे मिलेंगे, संपूर्ण जानकारी हम वीडियो के अंत तक देंगे। तो वीडियो सेशन के अंत तक जरूर बने रहेंगे। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को दबा दें ताकि जो कोई भी नोटिफिकेशन आए सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो नमस्कार दोस्तों, बिहार बीएड एडमिशन 2024, अगर आप भी बिहार बीएड एडमिशन 2024 की तैयारी कर रहे हैं और प्रवेश परीक्षा है तो रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन प्रक्रिया में शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं, तो आपको इंतजार बहुत ही जल्द समाप्त होने वाला है, क्योंकि बिहार बीएड एडमिशन 2024 को जारी कर दिया गया है, जिसकी पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में प्रदान करेंगे। हम आपको बता दें कि बिहार बीएड एडमिशन 2024 के अंतर्गत आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक आवेदन कर सकते हैं तथा कोर्स में दाखिला प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, इसकी जो डेट है, मतलब अप्लाई स्टार्ट फॉर्म फरवरी में आपकी फॉर्म स्टार्ट होगी और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका मार्च तक चलेगा। और टोटल सीट की बात करें तो आपके टोटल सीट है 37,500 सीट है। कितना? 37,500 सीट है टोटल। तो हमने इस वीडियो में ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत करते हैं। हम आपको बता, अगर आप भी बिहार बीएड एडमिशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप और प्रवेश परीक्षा है तो रजिस्ट्रेशन का आवेदन प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं तो आपका इंतजार बहुत ही जल्द समाप्त होने, क्योंकि बिहार डीएलएड बीएड एडमिशन 2024 जारी कर दिया जाएगा, जिसकी पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में प्रदान करेंगे। हम आपको बता दें कि बिहार बीएड एडमिशन 2024 आवेदन करने के लिए आपको ऑनलाइन प्रक्रिया को अपनाना होगा, जिससे किसी प्रकार का समस्या न हो सके। इसके लिए हम आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में प्रदान करेंगे। तो देखिए, इसकी ऑनलाइन स्टार्ट होगी फॉर्म फरवरी में और रजिस्ट्रेशन आपका 2024 तक, मतलब मार्च 2024 तक। जनरल के लिए आपका 1,000 रुपया, बीएस वुमेन ईडब्ल्यूएस के 750, एससी एसटी के लिए 500 रुपया लगेगा फॉर्म को अप्लाई करने में। तो अंतर 2024 में दाखिला है तो आवेदन करने के लिए आपको कौन कौन से दस्तावेज लेंगे, तो आवेदन का फोटो होना चाहिए, हस्ताक्षर, आवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, दीवान प्रमाण पत्र, मार्कशीट, पोस्ट ग्रेजुएशन, ये सारा कुछ उपयुक्त सभी दस्तावेज आप इस तरह होना चाहिए। अगर आप इस प्रवेश परीक्षा में भाग लेना चाहते हैं, आपको कुछ योग्यता की पूर्ति करनी होगी, जैसे आप स्नातक पास होना चाहिए, कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए, 55% अंकों के साथ मास्टर इन साइंसिंग सोशल साइंस मान्यता इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी उत्तीर्ण करने को उम्मीदवार, और बिहार सरकार के नियमों के अनुसार पिछले वर्ष के अति पिछड़ा वर्ग विकलांग में छूट प्रदान किया जाएगा। तो ये सारा कुछ है जो कि मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया था। आई होप आप सभी पसंद, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।